हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सहानी कंस्ट्रक्शन में। तो आज फिलहाल आपके जो सामने मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंबाइन फुटिंग का डिज़ाइन, इसमें आपको डिटेल में मैं फिर से बताऊंगा जो इसका नया कंबाइन फुटिंग बनेगा। फिलहाल आप देख लीजिए कंबाइन फुटिंग होता कैसा है, ठीक है ना। इसमें भी बिल्कुल सेम वही हिसाब किताब होता है कि नेचुरल ग्राउंड लेवल पहले हम एक्सकवेशन करते हैं, जितना भी आपका लेवल होता है ग्राउंड लेवल से नीचे, जैसे कि हमारे पास 5.5 फीट था, ठीक है ना। और उसके बाद हम चेंज का इसमें PCC किए हैं, जितना भी इसकी लेंथ थी 15.5 फुट बाई 10 फुट का एरिया पे हमने जो चेंज की PCC की है। और उसके बाद जो हमने जाल जो नीचे में रिंग जाल जो बांधते हैं जाल बांध के हमने RCC 9 इंच कंक्रीटिंग किया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद हम 15 इंच का जो है स्लोपिंग यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है ना। और इसका जो स्टील का देखिए साइज क्या होता है, कंबाइन फुटिंग का मतलब होता है कि दो कॉलम को एक साथ जो है अटैच करना, ठीक है। आपको मैं पास से भी जाकर दिखा दूंगा, फिलहाल आप दूर से पहले समझिए क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको पहले दूर से ही समझा देता हूँ। कंबाइन फुटिंग में आप देखिए दो कॉलम एक साथ होते हैं और उसको कनेक्ट किया जाता है बाई बीम के थ्रू, ठीक है ना। एक तो बीम का प्रॉपरली शेप है जिसका हमने यू के 30 इंच का जो है यहाँ पे थिकनेस वाली बीम जो है इन दोनों को बीच में कवर किया हुआ है, ठीक है ना। और कॉलम का जो साइज है वो हमारे पास 12x18 का है, ठीक है ना, 12x अकॉर्डिंग और y एक्सेस 18। अब वो चलिए पास से दिखाता हूँ, देखिए कंबाइन फुटिंग। लगा भाई लगा, वाइब्रेटर लगाओ, बोल लगा फटाफट। देखो वाइब्रेटर देखो वाइब्रेटर। तो ये देख सकते हैं आपको कंबाइन फुटिंग मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। ये इसकी जो है फीलिंग हो रही है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से M20 का रेस यूज करके। ये सब कुछ मैंने आपको पास से दिखा दिया किस तरीके से कंबाइन फुटिंग है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर मशीन जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं वाइब्रेटर मशीन कॉम्पैक्शन के लिए प्रॉपरली लगाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर साइड प्रॉपरली ये कंबाइन फुटिंग का जो कॉम्पैक्शन हो रहा है आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी करीब से लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया किस तरीके से कंपैक्शन होता है और किस तरीके से कंबाइन फुटिंग होता है, उसके बीच में एक बीम जाता है, ठीक है ना। और इसका मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा के एक बारी जब इसका नेक्स्ट कंबाइन फुटिंग जब क्रिएट होगा तो मैं आपको डिटेल में स्टील का साइज़ सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बार का डाया जो भी है। फिलहाल आप इतना जानिए कि कंबाइन फुटिंग में जो है दो कॉलम एक साथ अटैच किया जाता है बाई यूजिंग बीम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और नॉलेजेबल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।